दोस्तों, भगवान कृष्ण के नीले और काले दर्शाए जाने रंग के पीछे क्या रहस्य है? जब भी आप भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या घर में लगे चित्र देखते हैं तो उनके शरीर का रंग नीला और श्याम दिखाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीला व श्याम क्यों है? इस नीले रंग का क्या रहस्य है? आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के नीले और श्याम रंग से जुड़े हिंदू पौराणिक कहानियों के बारे में। श्री कृष्ण के श्याम रंग की अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। भगवान विष्णु समुद्र में शेषनाग पर विराजमान है और उनका संबंध पानी से भी है, इसलिए श्री कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनका रंग भी नीला है। इसके अलावा जब श्री कृष्ण ने आम जनमानस की रक्षा के लिए पूतना का वध किया था, तब पूतना राजा कंस के कहने पर गोकुल के बच्चों को स्तनपान बहाने विषपान करा रही थी, लेकिन श्री कृष्ण पूतना की सच्चाई जान चुके थे और उन्होंने पूतना को मारने के लिए उनका स्तनपान किया। इसी विष को पीने का कारण श्री कृष्ण का रंग नीला पड़ गया। इसके अलावा यमुना नदी में एक कालिया नाग का सर्प रहता था। उस कालिया नाग के 5 मुख थे जिसके अपने विष में पूरी नदी का जल विषैला कर दिया था। कोई भी गांव वाला जब नदी में जाता तो वह काले का विष का शिकार हो जाता। तब श्री कृष्ण ने इस सांप से लड़ाई की तो सांप से निकले नीले रंग के विष से श्री कृष्ण के शरीर का रंग नीला और श्याम हो गया। इसके अलावा एक मत तो यह भी है कि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के रंग को प्रस्तुत करते हैं। वह मनुष्य को मन की शांति और स्थिरता का आभास कराते हैं। वह श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की विशालता का प्रतीक है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का रंग श्याम और नीला है। और हिंदू पौराणिक कथाओं में हर उस व्यक्ति को नीले रंग का दिखाया जाता है जो बुराई का संहार करता है। भगवान विष्णु ने देवकी के गर्भ से 2 बाल स्थापित किए जिनका रंग काला और सफ़ेद था। काले रंग के बाल से श्याम वर्ण के कृष्ण का जन्म हुआ, जबकि सफ़ेद बाल से बलराम का जन्म हुआ। कृष्ण का संस्कृत भाषा में अर्थ है काला या श्याम, इसलिए सभी स्थानों पर भगवान श्री कृष्ण को श्याम और नीले रंग का प्रदर्शित किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। धन्यवाद।